बाहू एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ दीपिका। आप लोग जानते ही हैं कि जब लॉकडाउन लगता है तो कुछ दायित्व जो है वो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के भी रहते हैं, यानी कि जेएमसी के भी कुछ दायित्व रहते हैं। जैसे कि अब कोविड जो है वो अपने चरम लेवल पर है, अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है, डे बाय डे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जब मार्केट्स बंद रहती हैं तो सैनिटाइजेशन करवाना कितना ज़रूरी हो चुका है। और आप भी जो उसमें देख रहे हैं कि इस समय हम कनक मंडी में मौजूद है, जो कि वार्ड 11 पड़ता है, और यहाँ पर सैनिटाइजेशन प्रोसेस जो है वो शुरू करवा दिया गया है। और यहाँ की कॉरपोरेटर जो है वो भी यहाँ मौजूद है। कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है जब मार्केट बंद रह गई, जब लोग अपने अपने घरों में आए तो एरिया को जो है वो सैनिटाइज प्रॉपर तरीके से करना पड़ता है, क्योंकि वर्किंग आज में काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो अपने घरों में आ रहे हैं। तो यहाँ आप बिल्कुल जो है वो आप कनक मंडी में देख रहे हैं। यहाँ की कॉरपोरेटर भी यहाँ मौजूद है, मैं इनसे बात करूँगी। नमस्कार मैम। मैम जैसे अब कोरोना वायरस जो है अपने चरम लेवल पर है, बिंग कॉरपोरेटर आपकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, क्या सैनिटाइजेशन प्रोसेस को सभी की बनती है, लेकिन हमारी जो है हमने जिम्मेवारी ली हुई है अपने वार्ड की, तो मैं निभा रही हूँ अपनी। तो सैनिटाइज टाइम टू टाइम हम करवा रहे हैं। आज मैंने जो गलियों के लिए है छोटे जो पंप आते हैं उन्हें बुलाया हुआ है, और बाज़ार के लिए जो हमारी ये मशीनरी है, तो कनक मंडी बाज़ार का यही है कि जहाँ पे रश रहता है काफ़ी, हमारे सिटी चौक पुरानी मंडी है तो यहाँ पे रश, सभी को पता है ये रश वाले इलाके हैं। तो मैं अपनी जिम्मेवारी निभा रही हूँ, अब जितना हो सक रहा है अपने से कर रही हूँ, सैनिटाइज करवा रही हूँ। सारी गलियाँ भी आज मैंने करवाई हैं और ये बाज़ार भी करवा दिए। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहती है सैनिटाइजेशन करें, तो कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, जो तो भी आपके साथ दें, इस लॉकडाउन का पालन करें, अपने आप को सुरक्षित। हाँ, लोगों को जिम्मेवारी बनती है अपने की, क्योंकि अपने लिए ये बचाव अपने लिए है, क्योंकि ये खतरा देखो पिछले साल भी बंद रहा, लेकिन लोग कुछ मजबूरियाँ भी लोगों को आ जाती हैं। इस वक्त पिछले साल भी बंद रहा हुआ है, लोग परेशान हैं, तो लेकिन यह कि अब लॉकडाउन जैसे ये किया, मैं तो ये कहती हूँ जैसे 50-50 वो किया था दुकानें वो नहीं करके, जैसे दो दिन के लिए ये बंद कर दें, तो लोगों को दुकानदारों को बड़ी परेशानी, एक चीज़ के लिए एक दिन लोग कोई आएगा दूसरे दिन वो नहीं चल होगा, तो उससे लोगों को दुकानदारों को परेशानी आ रही, छोटे दुकानदारों को। होलसेल तो खुल गया, लेकिन छोटे दुकानदार जो जिनका जो रोज़ की रोज़ी चलती है उनको परेशानी है। मैं कहती हूँ कि गवर्नमेंट को यही चाहिए कि जो बंद करना है दो दिन के लिए लगातार, तीन दिन के लिए रखें, और चार दिन के लिए पूरा बाज़ार खोलें, ताकि जो भी ग्राहक आए सभी दुकानदारों को थोड़ा उनकी रोज़ी रोटी चल सके। बींग एक्टिव और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आप जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे कि इस टाइम पर अपना ध्यान खुद ही रखना है, क्या मैसेज उनको देना चाहिए? उनको यही मैसेज है कि अपने घर में रहें, अपना जो अगर बाहर निकलते हैं जिसको ज़रूरत है एक लोग निकले, बच्चों को नहीं निकले, बुज़ुर्गों उनको नहीं निकलने दे, और खुद निकल के जो सामान ज़रूरी है वो लेके तो अपने अंदर ही बैठें, तभी हमारा बचाव हो सकता है, नहीं तो फैलेगा तो और ज़्यादा नुकसान होगा हमारा। हमारे साथ वार्ड नंबर 11 की कॉरपोरेटर अनीता शर्मा जी जुड़े हुए थे, और उनके अंडर जो है ये सैनिटाइजेशन ड्राइव कनक मंडी एरिया में चलाई गई है, क्योंकि कनक मंडी एक ऐसा एरिया है जहाँ पर लोगों का जमावड़ा रहता ही था, काफ़ी ज़्यादा लोग आते जाते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो 84 आवर्स के लॉकडाउन के दौरान जो है यहाँ पर दुकानें बंद हैं, लोग आ जा नहीं पा रहे हैं, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज वाले ही जो है यहाँ से निकल पा रहे हैं। यहाँ के जितने भी एसेंशियल सर्विसेज की शॉप्स हैं, मैंने आपको अपनी अपडेट में बताया था कि उन्होंने भी 84 आवर्स का लॉकडाउन जो है अनाउंस किया गया है। उनके अकॉर्डिंगली जब मार्केट्स बंद रहती हैं तो सैनिटाइजेशन प्रोसेस जो है करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बल्कि यही नहीं कि रोड्स पर सैनिटाइजेशन हो, अगर आप लोग अपने अपने घरों में भी सफाई रखें, अपने घर पे भी सैनिटाइज करें, खुद को सैनिटाइज करें, तो आप भी कहीं ना कहीं इस महामारी से बच सकते हैं। ऐसी तमाम अपडेट्स से जुड़े बाहु एक्सप्रेस के साथ। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।